शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली में सालाना महज 3 दिन ही शराब की दुकानें बंद रहेंगी। नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने ऐलान किया है कि अब केवल 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को ही दिल्ली में ड्राई डे रहेगा, बाकी पूरे साल शराब की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। आपको बता दें कि पहले दिल्ली में सालाना 21 दिन का ड्राई डे मनाया जाता था, यानी 1 साल में 21 दिन शराब की दुकानें बंद रहती थी। दिल्ली सरकार के एक्साइज कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि आधिकारिक रूप से पूरे साल में 3 दिन ही ड्राई डे रहेगा। हालांकि सरकार जब चाहे कभी भी ड्राई डे घोषित कर सकती है। असल न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।